जब मुंबई पुलिस का एक अधिकारी लोगों की मदद के साथ साथ उनकी इंटरटेनमेंट की भी एक अलग नज़रिया रखता हो तो क्या होगा उस ऑफिसर के अंदर की दिल की बात। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईपीएस अधिकारी मिस्टर केशर खालिद जी की। जी सर, सबसे पहले तो सीएन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जानना चाहेंगे, अब आप नए जगह आ गए हैं तो किस तरीके की माहौल में ढल चुके हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि जब हम लोग इस डिपार्टमेंट में आए तो कम से कम मेरा ऐसा मानना है कि हम सेवा के लिए आए हैं। कोई भी नौकरी हो उसके लास्ट में शब्द सर्विस लगा है, सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो हमको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम किस उद्देश्य से इस जॉब में आए हैं, तो ये सेवा है। दूसरी बात जो मेरा मानना है कि कोई भी कुर्सी परमानेंट नहीं होती है, आप आज हैं कल नहीं रहेंगे। तो जब तक आपको चांस है, अपॉर्चुनिटी है, तब तक आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उसके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सेवा हो सकती है, लोगों की मदद कैसे हो सकती है, लोगों के दुख कैसे कम किए जा सकते हैं, उनके आंसू कैसे पोछे जा सकते हैं और उनको न्याय कैसे दिया जा सकता है। क्योंकि एक बार अपॉर्चुनिटी निकल जाने के बाद हाथ मिलने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि मन में कभी भी पश्चाताप या रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि काश मैं ऐसा करता तो ऐसा हो सकता था। मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए हैं, हम सिर्फ फाइलों के लिए नहीं हैं। लोग हमारी पूंजी हैं, उनके काम आना मुझे लगता है कि हमारा यथार्थ है। धीरे धीरे आपने काफ़ी मेहनत किया, आज जाकर इस मुकाम पर आप पहुँचे हैं, तो कितने लोगों की अगर कहें आशीर्वाद या कितने लोगों का हाथ आपके पीछे रहा था उस समय से अब तक? मुझे लगता है कि इसको काउंट करना बहुत मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि हर आदमी ने या तो दुआ दी या कुछ सिखाया है। जो आदमी आपका अपना नहीं बन सका, नहीं हो सका, उसमें भी कुछ अच्छाई रही होगी, आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। तो मैं हमेशा ये समझता हूँ कि दूसरे में अच्छाई क्या है वो हमें देखनी चाहिए और हमारे अंदर खुद क्या कमज़ोरी है वो देखनी चाहिए। अगर हम निरंतर ये प्रयास करें कि हमारे अंदर की अच्छाइयाँ बढ़ें और हमारे अंदर की जो कमज़ोरियाँ हैं वो कम हों, तो मुझे लगता है कि हम एक बेटर, अच्छे से बेटर और बेटर से बेस्ट इंसान बन सकते हैं। सो मुझे लगता है कि हर आदमी जो हमारे राह में किसी न किसी ढंग से आया, हमारे जीवन में जिसका कोई ना कोई योगदान रहा है, वो अनगिनत हैं। कुछ के नाम मुझे याद हैं, कुछ के नाम याद नहीं हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आदमी को अपनी मेहनत के अलावा दुआओं की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ती है। और जिन माहौल से हम लोग आए हैं, मुझे अब आज भी याद है कि जब हम पढ़ाई करते थे तो मेरे गाँव में जो स्कूल है वहाँ चौथी कक्षा तक की ही पढ़ाई थी, दो टीचर हुआ करते थे। मैं ननिहाल में रह कर पढ़ाई किया हूँ, जहाँ एक सातवीं क्लास तक का स्कूल हुआ करता था। फिर उसके बाद हाई स्कूल में गया और उसके बाद फिर साइंस कॉलेज पटना, पटना कॉलेज पटना और पटना यूनिवर्सिटी। जहाँ जहाँ भी गया हमने अपने दोस्तों से बहुत कुछ सीखा, अपने जो टीचर्स थे, अपने जो प्रोफेसर्स थे उनसे बहुत कुछ सीखा। और जहाँ जहाँ ठोकरें लगीं, जहाँ जहाँ परेशानी में आए, जहाँ तकलीफें हुई, तो हमेशा उसमें एक इंट्रोस्पेक्शन की भावना रखी कि क्या कारण से ऐसा हुआ और क्या हमें नहीं करना चाहिए। मैं अब भी जब स्टूडेंट को काउंसलिंग के लिए जाता हूँ, करियर गाइडेंस के लिए जाता हूँ, तो मैं हमेशा उनको ये कहता हूँ कि जब आप अपना सारा दिन का काम ख़त्म करके सोने के लिए जाओ तो एक बार ज़रूर आँख बंद करके सोचो कि आज दिन भर में मैंने क्या काम किया है और ये काम मुझे मेरे मंजिल की तरफ, मेरे पर्पस, मकसद की तरफ ले जा रहा है या उसके विरोध की दिशा में लेके जा रहा है। अगर जो मेरा पर्पस है, जो मेरी मंजिल है, हम उधर जा रहे हैं तो मेरा दिन सही गया, नहीं तो ये दिन बेकार गया। तो दिन अगर बेकार जाए तो उस पर रिग्रेट नहीं करना है, बस ये सोचना है कि कल से मैं ऐसा नहीं करूँगा। और मुझे लगता है कि यहीं से सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एक बहुत बड़ा अध्याय शुरू होगा। सर, जिस तरीके से एक पुलिस ऑफिसर जो काफ़ी स्ट्रेस में रहता है, लेकिन उसके बाद इस तरीके की, जैसे काफ़ी बार हमने सुना है कि केशर खालिद जी काफ़ी अच्छी कविताएं करते हैं, काफ़ी अच्छी शायरियां लिखते हैं, कहते हैं, तो सर ये किस तरीके का आपके मन में एक बदलाव आया? पुलिस फोर्स में होने के बावजूद ऐसी चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं। मुझे लगता है कि एक सेंसिटिव हार्ट, एक सोचने वाला दिमाग और एक एम्पैथी रखने वाला दिल अगर आदमी के अंदर हो तो
वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करेगा जिसमें वो अपने भावनाओं को एक्सप्रेस कर सके। कविता एक बहुत नेचुरल सा फॉर्म है जिसमें आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इस पुलिस डिपार्टमेंट में मुझे इतने एक्सपोजर्स मिले, मैंने रिश्तों की इतनी परतों को देखा है, लोगों की इतनी समस्याओं को देखा है, समाज के इतने बदलते स्वरूप को देखा है, इंसान के बदलते इतने आकार और प्रकार को देखा है कि जहन में कहीं ना कहीं कुछ ख्याल ज़रूर आ जाता है, और यही ख्याल कविता के तौर पे कागज़ पे आता है। तो जो आप मेरी कविताओं को पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि जो हमारा सच है जिससे हम गुज़रते हैं, या जो हमारे सामने आता है जिससे हम अपने दोस्तों को गुज़रते हुए देखते हैं, या मुल्क में या देश विदेश में किसी को भी गुज़रते हुए देखते हैं, इंसान की जो बुनियादी भावनाएँ हैं वो एक जैसी हैं। दर्द सभी को होता है, सुख सभी के हिस्से में आता है और चला जाता है, परेशानियां सभी के जीवन में हैं, चैलेंजेस सभी के साथ हैं, बैक स्टैबिंग बहुत लोगों के साथ होती है, लोग बदल जाते हैं, और कुछ कुछ छोटी छोटी ग्रीड के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए अब रिश्ते इस ढंग से टूटते हैं कि कभी कभी मुझे अपने आप को सवाल करना पड़ता है कि क्या हम इसी उद्देश्य के साथ यहाँ पर आए, क्या हमारी जो पढ़ाई है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो ट्रेनिंग है और हमारा जो समाज है इसी उद्देश्य के लिए है। क्राइम भी उसी में आ जाता है, लॉ एंड ऑर्डर भी उसी में आ जाता है, और लोगों की जो शिकायतें, जन शिकायतें जब आप सुनेंगे तो क्या होता है कि आप उसको डिटेल में पूछिए, तह तक जाइए, तो आपको बहुत सारा इंसाइट मिलता है इंसान के बारे में, और कविता तो इंसान के रिश्तों की दास्तान है। जी सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक आपकी मनपसंद कविता। एक कविता मैंने कुछ दिन पहले, एक इंटरनेशनल ड्रामा प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए लिखी है। इसका उन्वान टॉपिक है सरहद, बाउंड्री। ये हर उस सरहद की बात करता है जो इंसान को इंसान से अलग करती है, और उसकी वजह से हम एक दूसरे से कैसे दूर होते जाते हैं। तो पेश करता हूँ सरहद। मिलने दो अब मिलने दो ना, मिलने दो अब मिलने दो ना, दिल से दिलों को जुड़ने दो ना, दिल से दिलों को जुड़ने दो ना, कलियाँ दिलों की खिलने दो ना, कलियाँ दिलों की खिलने दो ना, मिलने दो अब मिलने दो ना, मिलने दो अब मिलने दो ना, एक सी रंगत एक सी बोली, एक सी रंगत एक सी बोली, एक ही मिट्टी एक सी बातें, एक ही मिट्टी एक सी बातें, एक सी खुशियाँ एक से दुख हैं, एक सी खुशियाँ एक से दुख हैं, एक से दिन हैं एक सी रातें, एक से दिन हैं एक सी रातें, ख्वाब भी हैं एक जैसे ही जब, ख्वाब भी हैं एक जैसे ही जब, रंग फिर उनमें भरने दो ना, रंग फिर उनमें भरने दो ना, मिलने दो अब मिलने दो ना, मिलने दो अब मिलने दो ना, रिश्ता और नाता भी वही है, रिश्ता और नाता भी वही है, ख्वाहिशो प्यार वफा भी वही है, ख्वाहिशो प्यार वफा भी वही है, मायूसी आशा भी वही है, मायूसी आशा भी वही है, मिलने का जज्बा भी वही है, मिलने का जज्बा भी वही है, फूल और फल दरिया भी वही है, फूल और फल दरिया भी वही है, फिर ये बर्फ़ पिघलने दो ना, फिर ये बर्फ़ पिघलने दो ना, मिलने दो अब मिलने दो ना, मिलने दो अब मिलने दो ना। और देखिए आखिरी बंद के, हुस्न व इश्क भी एक से अपने, हुस्न व इश्क भी एक से अपने, एक सी हसरत रिग्रेट्स, एक सी हसरत एक हैं सपने, एक सी हसरत एक हैं सपने, खौफ व यकीन भी साथ हमारे, खौफ डर यकीन कन्विक्शन, खौफ व यकीन भी साथ हमारे, हर सू वहशत पाँव पसारे फेयर, हर सू वहशत पाँव पसारे, सरहद हम दोनों को पुकारे, सरहद हम दोनों को पुकारे, हाथ पकड़कर चलने दो ना, हाथ पकड़कर चलने दो ना, मिलने दो अब मिलने दो ना, मिलने दो अब मिलने दो ना। जी जी बहुत खूब सर, बहुत खूब। एक अलग नज़रिया जो है पुलिस वाले का भी देखने को मिलता है, वो भी एक आम इंसान है जो हर किसी की तरह हंसते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं, कहें अगर कि किसी तरह कविता भी करते हैं। सर आपसे जानेंगे कि जिस तरीके का इंसान होता है, कई बार उसके अंदर काफ़ी गंदगी भी आ जाती है, लेकिन उस गंदगी को बाहर निकालने के लिए क्या समाज को प्रयत्न करना चाहिए, पुलिस वाले को प्रयत्न करना चाहिए, या परिवार को प्रयत्न करना चाहिए?
मुझे लगता है कि हम सबकी भूमिका है इसमें, और मैं एक छोटा सा इंसिडेंट नैरेट करूँगा। जैसे कि आपको मालूम है कि बहुत बार हम ड्रग डी एडिक्शन के कैंप्स लेते हैं, रैलियाँ करते हैं, और ख़ासतौर से जब मैं ईस्ट रीजन में एडिशनल सीपी था, गोंडी, शिवाजी नगर, ये सब ऐसे एरियाज़ हैं, चीता कैंप, जो ड्रग्स से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थे, और ये ओवर द काउंटर के ड्रग्स हैं जो हम मिसयूज़ करते हैं दवाइयों को। तो बकरीद का समय था और मैं एक ऐसे ही शाम में, रात में एक सभा ले रहा था, तो एक साहब आए, उन्होंने मुझसे ये कहा कि बच्चा सुनता नहीं है तो हम क्या करें। तो मैंने उनको पूछा कि अभी तो बकरीद है ना, तुमने बकरा लिया है क्या? तो बोले हाँ बकरा लिया है। तो मैंने कहा सुबह जाते हो जब तुम काम पे तो बकरे को देख के जाते हो, उसको दाना पानी डाल के जाते हो? बोले हाँ जी। मैंने कहा वापस आने के बाद फिर जाके देखते हो? बोले हाँ जी। और पूछते भी हो कि इसको दाना वाना दिया कि नहीं, पानी दिया कि नहीं, तबीयत कैसी है? अपने बच्चे के बारे में कभी पूछा? बेटा स्कूल गए थे, दिन भर में क्या किया, होमवर्क किया कि नहीं किया, किसके संग उठते बैठते हो, किसके साथ खेलते हो? तो साहब फिर चुप हो गए। कहने का उद्देश्य यहाँ पर यह है कि आदमी को बनाने में समाज की भूमिका बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि हम सब की भूमिका है। हर इंसान के अंदर कुछ प्लस और कुछ माइनस होता है, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। पुलिस में हमारा उद्देश्य है कि हम इंसान की अच्छाइयों को बढ़ाएं। देखिए कम्युनिटी पुलिसिंग क्या है, अगर बंधुत्व भाव हो जाए समाज में तो मुझे लगता है कि पुलिस का काम बहुत ही आसान हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम समाज में जो शांति व्यवस्था बनाने के लिए लोगों को अपील करते हैं उसमें क्या चीज़ है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना, कि मैं आपसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रख सकता हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों लड़ जाएं। दो इंसान एक चीज़ों पे कभी नहीं आएंगे। अगर आप YouTube पे देखेंगे मेरे कई भाषण वहाँ पे हैं। एक मेरा भाषण है जो कि एक इंटरफेथ अफ्तार, जिसमें मुंबई के तमाम धर्मों के बड़े धर्मगुरु मौजूद थे, और उसमें इंट्रोडक्टरी स्पीच मेरी है। तो मैंने उसमें ये बात कही है कि तमाम धर्म जो हैं वो इस पॉसिबिलिटी से शुरू हो रहे हैं कि तमाम इंसान उस धर्म को नहीं मानेंगे। कुछ लोग होंगे जो उसके विरोध में होंगे, वो उसको नहीं मानेंगे। इसीलिए धर्म जो है हमेशा डाइवर्सिटी में एग्जिस्ट करने के प्रोपोजिशन के साथ आता है। और मैंने वहाँ पे कोट किया था कुरान से कि कुरान ये कहता है कि अल्लाह ने कहा कि हम चाहते तो तुम सबको एक उम्मत बना देते, एक कम्युनिटी बना देते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। इसका यह है कि तुम में मल्टीप्लिसिटी रहेगी, तुम मल्टी कल्चरल रहोगे, मल्टी रेशियल रहोगे, मल्टी लिंग्विस्टिक रहोगे, तुम में डिफरेंसेस रहेंगे। इंसानियत का तकाजा यह है कि उन डिफरेंसेस में हम जीना सीखें, हम एक दूसरे के डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना सीखें, और उसके साथ हम एक लार्जर पर्पस में साथ में चलें। लार्जर पर्पस क्या है? हम सबको प्रोग्रेस करना है, हम सबको आगे जाना है, हम सबको अपने हेल्थ को, अपने एजुकेशन को, अपने वेलफेयर को बेटर करना है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पीस और ऑर्डर। समाज में जब तक शांति नहीं होगी, बंधुत्व नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो कविताओं के माध्यम से, या इंटरनेशनल पोएट्री फेस्टिवल जो हम लोग करवाते हैं, या इस ढंग से संगोष्ठियों के माध्यम से, या ऐसे स्पीचेस के माध्यम से, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इंसान को इस बात के लिए जगाएं और उनको ये मैसेज दें कि हम जो यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, इस धरती पे जो हम आए, तो हम कोई पर्पस लेके आए हैं, हमारा कोई उद्देश्य है। और पहला उद्देश्य है कि हम इंसानियत के धर्म को अपनाएं, हम लोगों को साथ लेके चलें, हम अपने डिफरेंसेस को रिजॉल्व करना सीखें। अगर हम इस चीज़ को समझ लेंगे तो हमारे समाज में से जो आज कन्फ्लिक्ट है वो कन्फ्लिक्ट मिनिमम हो जाएगा, और ये पॉलिसिंग में बहुत हेल्प करती है। मैं आपको बताऊं कि मैं जब 3 साल तक एडिशनल सीपी था, ऊपर वाले का बड़ा बहुत मेहरबानी रही, और हमारे ऑफिसर की टीम का ऐसा रहा कि हमने कोई मेजर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होने नहीं दिया। आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा स्लम्स ईस्ट रीजन में हैं, इतना वेरिड पॉपुलेशन है ईस्ट रीजन में, तेज़ी से अपकमिंग एरिया है, इंडस्ट्रीज़ हैं, इंट्री के रूट्स हैं मुंबई के अंदर, वहाँ पे आपको मालूम है क्राइम प्रोन एरिया है, बट उसके बावजूद कभी नहीं होने दिया। क्योंकि अधिकारियों को एक तो ये अपील रखनी चाहिए कि हम न्याय के साथ बात करेंगे, हो सकता है हमारी गलती हो कहीं पर, तो उसको एक्सेप्ट कर लेने में हम छोटे नहीं होते हैं, उसको सुधार कर लेने में हम छोटे नहीं होते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि हमको सुनने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए।
लोगों के मन का जो आवेश आक्रोश है अगर हम उसको निकालने में कामयाब हुए उसकी बातों से, तो मुझे लगता है 60% प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो जाता है। उसके बाद तीसरी बात है कि हम एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अप्रोच करेंगे, हाँ जी ये प्रॉब्लम है, इसके ये सोल्यूशन है, ये मेरे हाथ में है, ये मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में जितना है वो मैं कर रहा हूँ। अगर हम ये इस ढंग से लोगों के सामने अपने विचार को रखेंगे तो मुझे लगता है कि समाज में शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो कि विरोध में जाएगा या शांति को भंग करेगा। तो पुलिसिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि वी शुड बी जस्ट, वी शुड बिहेव इन अ फैशन इन विच वी आर सीन टू बी जस्ट एंड वी आर सीन टू बी एक्सेसिबल। अगर कोई आदमी मुझसे मिलने आता है और वो मिल नहीं पाता है तो उसके मन में बहुत सारे भ्रम होंगे, लेकिन मैं उसकी बात सुनता हूँ 5 मिनट और पेशेंटली उसको डील करने की कोशिश करता हूँ और ये कोशिश करता हूँ कि इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाए। मैं नाकाम भी हो गया ना तो उसके मन में डिपार्टमेंट के प्रति, अधिकारियों के प्रति एक पॉजिटिव भावना रहेगी कि नहीं साहब इन्होंने कोशिश की, नहीं हुआ नहीं हुआ। और ये जो है कन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करने के लिए मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो गुजर गया उसमें आप कोई बदल नहीं कर सकते हैं, जो आने वाला है उसके बारे में आपको पता नहीं है, जो प्रेजेंट है यही वो कार्ड है जिसको आप बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। तो आज के किए पे कल कभी पछतावा ना हो, बस यही कोशिश करना कि कभी लुक बैक करोगे तो ये मन में खंद नहीं होना चाहिए, रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैं कोशिश करता तो मैं ये काम कर सकता था, लेकिन अफसोस मैंने वो वक्त गंवा दिया। बल्कि मैं यहाँ कोट करूँगा, मेरे फादर इन लॉ प्रोफेसर थे, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे मगध यूनिवर्सिटी में, वो अक्सर कहते थे मुझे कि बेटा वक्त एक ऐसा घोड़ा है जिसके सामने सर पे बहुत बाल हैं और पीछे से बिल्कुल गंजा है, तो जिसने वक्त को सामने से पकड़ लिया वो तो उसके घोड़े के साथ निकल जाएगा आगे, और जिसका वक्त गुजर गया और पीछे हाथ मारते रहेगा उसके हाथ में कुछ नहीं आएगा। ये मुहावरा था लेकिन मुझे लगता है कि यथार्थ जीवन का यही है। तो मैं यूथ को यही कहूँगा कि एक तो ये कि आप अपना प्रेजेंट खुद बना सकते हैं, और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आपके मन में कोई ऐसा विचार आए जिससे किसी को नुकसान हो रहा हो तो एक बार सोच लीजिए कि अगर यही चीज़ मेरे साथ हो रही होती तो मुझे कैसा लगता, क्या मुझे अच्छा लगता, मैं खुश होता, मेरे परिवार के साथ ये बात होती। अगर आप खुश ना होते तो आप दूसरे को नुकसान ना पहुँचाएं, उसको दुख ना दें। जिस तरीके से केसर सर ने कहा है कि लोगों को अपना एक नज़रिया बदलना होगा, पुलिस वालों के लिए भी और ख़ुद पुलिस वालों को भी जो है पुलिस वालों के लिए एक अलग नज़रिया रखना होगा ताकि जो समाज है और जो पुलिस वाले हैं वो साथ साथ इस मुंबई जैसे शहर को स्वर्ग बना सके। कैमरामैन कमलेश के साथ प्रेमलता मौर्या, CN News मुंबई।